हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है एक नए ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों, जैसा कि आज 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे है और एक्चुअली हम लोग का स्पेशल राइड है आज कालिंपोंग भूटान पे जाने वाले हैं और रास्ता बहुत लंबा है तो पूरा रास्ता आपको नहीं दिखा है और ये कृषि यात्रा है। इधर से हम लोग शॉर्टकट लिए और अंदर ही अंदर जाएंगे। A few moments later, का रास्ता है जो भूटान को कनेक्ट करते हैं इस रूट, और यह रास्ता अभी वन वे है और आने वाला दिन में यह फोर लेन का होने वाला है। तो दोस्तों, जैसा कि आप यह रास्ता देख रहे हैं, बहुत लंबा हम लोग को चलना पड़ेगा और क्योंकि मैंने पूरा रोड का कवर नहीं किए और यहाँ कुछ दिन पहले बहुत बारिश हुआ और अभी तक बारिश होते हैं, तो इसका वजह से यहाँ रास्ता का हालात आप देख पा रहे हैं बहुत ख़राब, क्योंकि बड़ा बड़ा ट्रक जो भूटान से आते हैं यही रूट होके आते हैं, तो इतना बारिश होने से रास्ता बहुत ख़राब पड़ गया। A few moments later, दोस्तों, जैसा कि हम लोग वहाँ से पास बनाए भूटान गेट पे और फिलहाल हम लोग भूटान का अंदर है और यहाँ हम लोग को दो एक इंडिया का अंदर एक चेक करना पड़ा, फिर हम लोग को भूटान के अंदर भी एक पास बना के अंदर में हम लोग को घुसना पड़ा। फिलहाल हम लोग भूटान के अंदर है और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ का जो नेचर का ब्यूटी है कितना सुंदर लग रहा है और हरा भरा हर तरफ, क्योंकि नीट एंड क्लीन रहता है यहाँ भूटान में। एक्चुअली मैंने जय गाँव पुसलिंग उधर भी गया तो वो तरफ भी बहुत मतलब नीट एंड क्लीन, ऊपर से डिसिप्लिन और हाई मेंटेन करते हैं उन सब रूल एंड रेगुलेशन। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा और अगर आप नया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आप आना चाहते हैं तो बेशक आप घूमने आ सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि अभी हम लोग जो रास्ता से जा रहे हैं, हम लोग एक ब्रिज है, हम लोग उधर तक जाएंगे तो पता नहीं पहले बार आया हूँ और पता नहीं वहाँ का रास्ता कैसा होगा, तो आप वीडियो पे बने रहिएगा, देखिएगा कि रास्ता बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को और बहुत सारा लोग विभिन्न जगहों से आए हैं घूमने, क्योंकि यहाँ घूमने का मज़ा ही कुछ और है। अभी हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे क्योंकि यहाँ बहुत लैंडस्लाइड भी होता है बारिश का टाइम में, तो मत बोलो यहाँ बहुत स्किड होता है, मुझे तो बहुत डर भी लगता है यहाँ स्किड ना हो जाए, क्योंकि नीचे तरफ खाई है और ऊपर से भी लैंडस्लाइड होने से कुछ उपाय नहीं है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि रास्ता भी बहुत जो सैंड ग्रेवल और वही सब है, रेत आगे तरफ जैसा कि पानी फ्लो हो रहा है जो झरना का पानी, तो हम लोग आगे की तरफ जाएंगे और जैसा कि दोस्तों हम लोग जिस जगह को देखने के लिए हम लोग आए थे तो उस जगह हम लोग पहुंचने वाले हैं। तो दोस्तों, उस जगह के वीडियो आपको नेक्स्ट वाला वीडियो पे आपको ज़रूर दिखाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।